नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सूरज टेकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप नए यूट्यूबर्स हो, बिगिनर यूट्यूबर्स हो और आपके पास में कोई एडिटर ऐप्स नहीं है और आप चाहते हो कि कंप्यूटर पे वीडियो एडिट करके फटाफट डालने का यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए, तो मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरा चैनल है टेकेस, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, मैं ये चैनल URL में मिल जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर जाना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लेना है। अगर आप फ़ोन यूज करते हो तो आपको फ़ोन में भी नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आज के वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ सोनी वेगस प्रो। जी हाँ, ये काफ़ी बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई ज़्यादा झोल झमेला नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रहा सोनी वेगस प्रो। तो इसे मैं ओपन कर ले रहा हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आप एडिट कर सकते हो सारे वीडियोज़ को, बहुत ही आसान है ये। यूट्यूब नए बिगिनर्स के लिए तो काफ़ी आसान है, इसमें आपको मैं जस्ट दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास में ये जो सोनी वेगस प्रो जो ओपन हो चुका है और इसी टाइप से आपको मिल जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है ये एडिटिंग ऐप के लिए। और चलिए इसके बाद मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद में आपको ओपन कर लेना है मीडिया के लिए, और नहीं तो आप एक और यूज कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप्स। तो ड्रैग एंड ड्रॉप्स के लिए आप अपना फोल्डर ओपन कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास में मेरा वीडियो है, मेरा म्यूजिक है, लोगो है। जी हाँ, आपके पास में अगर लोगो है तो आप लोगो ले लीजिए, PNG में होगा, और लास्ट JPG है जो कि एंड स्क्रीन में हम यूज़ करते हैं इस टाइप से, तो मैंने ये भी बना रखा है। और ये रहा मेरा इंट्रो वीडियो। तो बस हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं इस सब को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ एंड इसे ड्रैग एंड ड्रॉप्स कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से मैं ड्रैग कर लिया एंड देन यहाँ पर मीडिया फाइल पर ड्रॉप कर लिया। जी हाँ, तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही आसान है दोस्तों ये इसमें एडिट करना। तो यहाँ पर बस ये सारा कुछ इसे अपने आप में मीडिया को कन्वर्ट कर लेता है सोनी वेगस अपने जो इनका फॉर्मेट है उसमें। इसके बाद में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से, अगर आपका कंप्यूटर जो सपोर्ट कर रहा है हाई एंड ग्राफिक्स तो आप फुल कर लीजिए, नहीं तो हाफ क्वार्टर एंड ऑटो कर सकते हैं। और इसके बाद में आप इसे बढ़ा सकते हैं यहाँ से, या फिर कम भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आप बढ़ा सकते हैं टाइम लाइन को और कम कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है सो आपको इंट्रो वीडियो ले लेना है, और इंट्रो को इसमें आप ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ आ चुका है, यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दिया। तो मेरे पास में दो टाइमलाइन बन चुका है, एक ऑडियो का एक वीडियो का, आप देख सकते हैं यहाँ दोनों। और ये रहा मेरा वीडियो का ड्रैग एंड ड्रॉप्स, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा इंट्रो वीडियो, मैं आपको जस्ट दिखा दूँ। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख लिए, ये जो है सो मेरा इंट्रो वीडियो, फिलहाल मैं यही इंट्रो वीडियो यूज कर रहा हूँ। एंड उसके बाद में आपको जो है सो ये अपना वीडियो चाहिए, तो मैं इस वीडियो को अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे ड्रैग कर लिया, तो ये देख सकते हैं आप, यस मेरा वीडियो भी ड्रैग हो चुका है। एंड ये वीडियो जो है सो काफ़ी, और इसमें दोस्तों बेसिकली आप कभी कभी वीडियो बनाते हो तो आपके पास में बहुत बीच में जो है सो काफ़ी ज़्यादा हैवी फाइल्स हो जाती है और उसे आप डिलीट करना चाहते हो, तो इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद में आपको ट्रिम का ऑप्शन आएगा, ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड। तो जैसे कि यहाँ ट्रिम एंड में आप जो है सो इसके बाद वाले पार्ट जो है सो ट्रिम हो जाएगा, और इससे इस ट्रिम स्टार्ट में इससे पहले वाला पार्ट जो है ट्रिम हो जाएगा, और स्प्लिट में स्प्लिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर स्प्लिट कर ले रहा हूँ, ये दोनों जो है सो स्प्लिट हो गया, देख सकते हैं अब। इसके बाद में मुझे ये पार्ट जो है सो नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं एक और बार स्प्लिट कर ले रहा हूँ, येस, एंड देन इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये रहा मैं इसे, ये रहा डिलीट एंड डिलीट कर दिया, और इसको फिर मैं ड्रैग कर लिया। जी हाँ, और फिलहाल ये वीडियो है मेरे पास में, तो इसमें मैं एंड स्क्रीन लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे डायरेक्टली, ये मुझे यहाँ पर पार्ट चाहिए इतना, और उसके बाद में इसे मैं ट्रिम कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ट्रिम एंड मैं कर रहा हूँ, तो ट्रिम एंड के बाद यहाँ का जो पार्ट था वो चला गया है। जी हाँ, इसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे लास्ट वाला पार्ट लेना है जो एंड स्क्रीन में आपको लगानी है यूट्यूब पे, ये है पे ले लेना है। जी हाँ, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ये जो एंड स्क्रीन बेसिकली यूट्यूब का जो है 20 सेकंड का होता है, तो आप 20 सेकंड ले सकते हैं। ये देखिए 5 हो गया है, तो मैं इसका जो पहला पार्ट जो है सो आप यहाँ पर जूम इन जूम आउट कर सकते हो माउस के रोटेटर के यूज़ से। तो ये देखिए मेरा 5:1 पे 0:0 पे, और ये मैं इसे 5:20 पे लेके जा रहा हूँ, यस। तो ये हो गया 20 पे, तो इसे मैं स्मॉल कर ले रहा हूँ 20, यस। तो हो गया, ये जो है सो 20 सेकंड का है मेरे पास में JPG। इसके बाद में हमें वीडियो की टाइमलाइन यहाँ पे ऐड कर लेनी है, वीडियो ट्रैक। तो एक मैंने वीडियो ट्रैक ऐड कर लिया। बेसिकली आपको दो वीडियो ट्रैक चाहिए अगर आप लोगो भी लगाना चाहते हो, तो मैं एक और वीडियो ट्रैक ओपन कर लिया। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सो 20 सेकेंड का वीडियो यहाँ से कट कर लेनी है नीचे से, तो मैं इसे स्प्लिट कर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए मैं स्प्लिट कर लिया,
एंड देन सबसे ऊपर वाली जो टाइमलाइन है यहाँ पे आपको लोगो लगानी है, तो मैं लोगो को भी अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले रहा हूँ, ड्रैग कर लिया एंड ड्रॉप कर लिया। एंड देन पूरी जितनी भी हमारी पूरी वीडियो है इस पर मैं इसे ओवरले कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा जो है पूरे वीडियो पे ये ओवरले हो गया मेरा जो लोगो, यहाँ देख सकते हैं आप। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो मैंने 20 सेकंड का काटा था यहाँ से टाइमलाइन, तो बेसिकली यहाँ से हमें ओपन कर लेना है ये देखिए, एंड इसे हमें ऊपर वाले टाइमलाइन पे लेके चलना है। तो ये देखिए ये जो ऊपर वाले टाइमलाइन पे आ चुका है, आप इसे कट पेस्ट भी कर सकते हो कॉपी सी से, जी हाँ बहुत ही आसान है वो भी तरीका, तो मैं आपको जस्ट दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पे आना है, ये जो ट्रैकर मोशन है तो इसे क्लिक करोगे तो आपके पास में एक पॉपअप आएगा। पॉपअप आने के बाद में बेसिकली हमें करना क्या है, जो एंड जो है सो एंड स्क्रीन जो है सो मुझे व्हाइट वाले पार्ट में लेके आना है यहाँ इतने पार्ट में। तो इसके लिए हम इसे जूम आउट कर लेंगे, जूम आउट कर लेंगे, इसे स्मॉल कर लेंगे। ये देखिए स्मॉल होता रहा है, और इसके बाद आप अपने कीबोर्ड के जो की है नेविगेशन की है इससे आप इसे मूव कर सकते हैं। मैं इसे मूव कर ले रहा हूँ यहाँ पे, यस। तो ये जो एंड स्क्रीन में 20 सेकंड के लिए ये आएगा मेरे पास लास्ट में, यस। तो ये मेरे पास हो गया एंड स्क्रीन के लिए, देख सकते हैं ये जो सो काफ़ी अच्छा फील है। और यहाँ पे आप लगा सकते हो सब्सक्राइब के लिए एंड दो वीडियो की जो ओवरले होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये ओवरले यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसे स्प्लिट कर ले रहा हूँ, स्प्लिट कर लिया। एंड देन ये क्रॉप एंड पैन क्रॉप्स है, यहाँ पे जाने के बाद में इसे हम जूम आउट कर लेते हैं। एंड देन यस इसे हैवी साइज करके इसके बाद आप माउस की मदद से इसे अपने वीडियो पर ओवरले करवा सकते हो जहाँ मर्जी हो वहाँ। तो मैं इसे ओवरले करवा दिया एंड देन कट। तो दोस्तों मेरा वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका है, यस। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसान है। और इसके बाद में आपको जो है रेंडरिंग करनी है, तो ये येलो वाला जो लूप आपको बनाना है, एक लूप बना लीजिए आप यहाँ तक, तो ये जहाँ तक लूप होगा वहीं तक जो है सो आपका वीडियो रेंडरिंग होगा, यस। तो इसके बाद में आपको यहाँ पर रेंडर पर क्लिक करना है, यस, एंड रेंडरिंग कर लेनी है। तो ये मेरा फुल HD वीडियो है, आप अपने यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जिस भी फाइल में आपको रेंडरिंग चाहिए, यहाँ से आप कस्टम भी बना सकते हो। सबसे नीचे में कस्टमाइज टेम्पलेट्स है, मैंने कस्टम बना रखा है, तो मैं यहाँ पे ये दिखा दे रहा हूँ, ये रहा 720p एंड 1080p YouTube के लिए, तो मैं इसमें रेंडरिंग कर ले रहा हूँ। आपको कस्टमाइज करनी है तो यहाँ पे कस्टम टेम्पलेट में जाओ, अब टेम्पलेट्स में यहाँ पे नेम ऐड कर दो, इसके बाद में आपकी वीडियो की जो साइज़ है वो साइज़, एंड देन प्रोफाइल, देन फ्रेम रेट, आप अगर 29 या फिर 30 FPS पे 23 FPS पे वो सेट कर लो। इसके बाद में अगर आपका कंप्यूटर जो सपोर्ट करेगा अगर GPU, तो ये ऑटोमेटिकली सोनी विगस प्रो में 14 वाले वर्जन में ऑटोमेटिकली एडेड है, तो आपको ये क्लिक वेलिक नहीं करनी है इसमें। यहाँ पे आप ऑडियो सेट कर सकते हो, इसके सैम्पल रेट्स, बीट रेट्स, यस, एंड देन वीडियो। तो ये रहा सबसे बेस्ट प्रेफरेंस रेंडरिंग के लिए यूट्यूब के लिए, मुझे यही लगता है। तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया, इसके बाद आप यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करके ओके कर लो। एंड देन ये प्रोफाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपना नाम नेम दे सकते हो, यस। तो ये जो है सो मेरा TRIL ट्रायल, एंड मैं इसे रेंडरिंग कर ले रहा हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो जो है सो रेंडरिंग हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंडरिंग कम्प्लीटेड ट्रायल यूजर्स यस। तो मैं यहाँ से ओपन फोल्डर कर ले रहा हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ट्रायल यूजर्स करके मेरा जो है रेंडरिंग हो चुका है कम्प्लीट, और मैं आपको इसे प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवान। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सो मेरा वीडियो जो सो रेंडरिंग हो चुका है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई लैग्स नहीं आई है, दोनों वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से मैच हो गया है, जो कि मेरा स्टार्टिंग का जो टेम्पलेट था वो और ये वीडियो, और मैं आपको एंड स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ जस्ट पर प्ले कर ले रहा हूँ। हालांकि मुझे इतना अच्छे से गेम खेलना नहीं आता है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से एंड स्क्रीन भी डाल सकते हो, एंड स्क्रीन के बाद में यहाँ पे आप सब्सक्राइब के लिए अपना जो सो एंड स्क्रीन टेम्पलेट जो होती है यूट्यूब के एडिट में, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो, एंड यहाँ पे कोई वीडियो डाल सकते हो दोनों आपको अपने प्रमोशन के लिए। तो दोस्तों ये जो सो काफ़ी अच्छा तरीका है और काफ़ी रियायत काफ़ी सिंपल तरीका है यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करने का। तो इस तरीके से आप यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो नीचे लाइक बटन पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में कोई क्वायरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं ज़रूर पढ़ूंगा उसका, आपको जवाब दूंगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर यूट्यूब के वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के फर्दर वीडियो के लिए। और दोस्तों मैं बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिल जाएगा, वीडियो किस तरीके से अपलोड करें यूट्यूब पर अच्छे से, तो वो भी आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।